आठवें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की मांग। अरविंद केजरीवाल का ऑफर ईडी को मंजूर नहीं, कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं। पेश होने के लिए शर्त रखने पर केजरीवाल को ईडी का जवाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी के आठवें समन पर भी पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि वह 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार है। हालांकि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। ईडी का कहना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। ईडी चाहती है कि केजरीवाल ऑफिस में पेश हो और अधिकारी आमने सामने बैठकर उनसे पूछताछ करे। वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ईडी का समन पूरी तरह से अवैध है। भाजपा के नेता बार बार मुख्यमंत्री केजरीवाल पर ईडी के सवालों का जवाब न देने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सवालों के जवाब के लिए नहीं, बल्कि ईडी मुख्यमंत्री केजरीवाल को अवैध रूप से गिरफ्तार करना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के आरोपों के चलते मुख्यमंत्री ने इसके लिए बीच का रास्ता निकाला और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए पेश होने का फैसला किया, लेकिन अगर ये कोई साजिश है तो ईडी किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री को पेश होने के लिए मजबूर करेगी ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। देखिए, वैसे तो ईडी के सम्मन पूरी तरीके से गैरकानूनी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हम कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला ये है कि ईडी मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ ले, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो ज़रूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए, फिर ये बात दुनिया के लिए देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को 16 मार्च को शहर की एक अदालत के सामने भी पेश होना है। अदालत ने समन को नजरअंदाज करने को लेकर ईडी द्वारा दायर एक शिकायत के मामले में केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।